फैक्ट नंबर एक। गाइस आप अमेज़न से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हैं, हो गए ना हैरान, लेकिन ये बात काफी हद तक सच है। जी हाँ गाइस, गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमेज़न डेटिंग, जहाँ दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही कई लड़के और लड़कियां लिस्टेड हैं और उनके फोटो के नीचे उनके प्राइस भी मेंशन्ड है। वहीं डिटेल में आपको ये भी बताया जाता है कि आप कितने टाइम के लिए उस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को खरीद सकते हैं, या यूं कहिए कि उनके साथ कितना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये सब आपके साथ एक प्रैंक है। असल में ना तो ये कोई अमेज़न की वेबसाइट है और ना ही इस पर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हैं। बस इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल हूबहू अमेज़न की एक रियल वेबसाइट लगे। फैक्ट नंबर दो। गाइस भारत में अगले 40 दिन में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। जी हाँ गाइस, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब भी पूर्वी एशिया में कोरोना बढ़ता है तो उसके 30 या 35 दिन के बाद ही भारत में नई लहर शुरू हो जाती है, जैसे कि दूसरी और तीसरी लहर के वक्त भी हुआ था। वहीं कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात चीन और जापान में हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत के लिए जनवरी का महीना काफी अहम रहने वाला है। और चिंता की बात यह भी है कि चीन से हमें सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स को आने वाले खतरे का अंदाजा ढंग से नहीं लग पा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर चौथी लहर आती भी है तो भारत में ना तो मरने वालों की संख्या बढ़ेगी और ना ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया पहले से इसके लिए तैयार है।